नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इस चैनल पे। ये जो वीडियो है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा था कि 6 अक्टूबर को ही मैं शायद रिलीज़ करूँगा, क्योंकि आज ये फर्स्ट एनिवर्सरी अपने इस चैनल की। सोचा था कि मैं इसी मौके पे आज मेरी जो सैलरी स्लिप है NSL असिस्टेंट की, एज एन असिस्टेंट क्या थी, तो सितंबर मंथ की रिसेंट सैलरी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। NSL असिस्टेंट का और AO का एग्ज़ाम इस साल आएगा, मतलब इनकी वैकेंसीज इस साल आएगी या नहीं आएगी। UIC असिस्टेंट, OICL असिस्टेंट, NICL असिस्टेंट और या उनकी AO की वैकेंसीज भी आएगी या नहीं आएगी, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद 2-3 मिनट्स में कुछ इस वो एक साल की जर्नी के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी स्लिप जो यहाँ पे दिखाया है। दोस्तों ये मेरी सैलरी स्लिप है खुद की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 सितंबर यहाँ पे डेट है और ये सेप्टेम्बर मंथ की सैलरी है। तो यहाँ पे जो बेसिक पे है दोस्तों, NSL असिस्टेंट का 14,435 है और जो DA है वो नियर अबाउट 61% अभी है। तो ये सैलरी सेप है मुंबई रीजन की। यहाँ पे कुछ चेंजेस भी है, मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे बताऊँगा। CC यहाँ पे मिलता है और कन्वेंशनों से यहाँ पे मिलता है, ज़्यादा अलाउंसेज जैसे RBI NABARD में मिलते हैं उतने अलाउंसेज यहाँ पे नहीं मिलते, इसलिए इनकी ग्रॉस सैलरी 24,191 है। मतलब ये मुंबई में है क्योंकि मुंबई में लीज़ मिलता है दोस्तों, लीज़ मिलता है, इसलिए यहाँ पे HRA इंक्लूड नहीं किया गया। HRA आपको 10% ऑफ बेसिक मिलता है, 1443 यहाँ पे HRA मिलेगा। यदि आप अदर सिटीज़ में मुंबई पुणे छोड़ के, तो आपको इसमें 1443 ऐड करने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। यदि आप मुंबई में रहते हो तो आपको 11,000 लीज मिलती है, और यदि आप पुणे जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आपको 7,000 लीज मिलता है। तो यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है दोस्तों, तो ये 24,191 है मेरी मुंबई की, और यहाँ पे डिडक्शन है 3403, क्योंकि यहाँ पे NPS का भी है और मैंने मेडिक्लेम भी ऑप्ट किया है यहाँ पे, तो मेरा डिडक्शन टोटल 3,403 रुपीज़ बनता है। तो यहाँ पे जो ग्रॉस सॉरी जो इन हैंड सैलरी बनती है नेट पेएबल मुझे, वो 24,790 प्लस 11,000, मतलब 31,790 है मेरी ग्रॉस सॉरी इन हैंड सैलरी यहाँ पे आती है। और यदि यहाँ पे आप पुणे में रहते हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 27 या 28K के अराउंड यहाँ पे जा सकती है। तो ये हो गई NSL असिस्टेंट की सैलरी जो यहाँ पे कम दिखाई देती है, और वो है भी क्योंकि यहाँ पे अलाउंसेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आपको लीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बैंक्स वगैरह में आपको लीज़ नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात आती है कि NSL असिस्टेंट 2020 मतलब अब रिक्रूटमेंट आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे NSL असिस्टेंट की। दोस्तों NSL असिस्टेंट का यदि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो हर 1.5 ईयर में वो वैकेंसीज रिलीज़ करता है। लास्ट टाइम जब वैकेंसीज आई थी वो 2017 में आई थी, जैन और फेब में। उसके बाद 2018 में जुलाई में आई। अब यदि हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो ये दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में आने के चांसेस है, और डेफिनेटली आने के चांसेस है, क्योंकि मेरे जो इंफॉर्मेशन जुटाने की प्रयास मतलब मैं कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ से हासिल हो चुकी है कि NSL असिस्टेंट का थर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला था, लेकिन फिर भी दोस्तों थर्ड वेटिंग लिस्ट आ गया क्योंकि उन्होंने रिक्रूटमेंट डिले कर दिया। वो रिक्रूटमेंट ही लेना चाहते थे नया, लेकिन उन्होंने थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी, और अब ये नए रिक्रूटमेंट जो आएगा दोस्तों डेफिनेटली दिसंबर एंड भी नहीं आएगा ज़्यादा, जैन 2020 में आने के चांसेस है। और वैकेंसीज नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की 954 के अराउंड थी, लास्ट टाइम ओनली 653 थी। सो दिस टाइम भी हम यहाँ पे अराउंड 500-600 वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे वैकेंसीज कम होती है, कंपटीशन भी अच्छा लेवल का होता है। सो इसके बाद थोड़ी कभी मुझे टाइम मिले तो मैं डेफिनेटली इसके वर्क कल्चर के बारे में भी और करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये अच्छे लेवल का जॉब है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको वर्क प्रेशर भी नहीं है और करियर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, और आपको सैलरी भी अब बढ़ भी जाएंगे। बैंक का रिवीजन होने के बाद इसकी सैलरी भी बढ़ेगी। अब दोस्तों आती है NSL AO। तो NSL AO का भी रिक्रूटमेंट सेम है दोस्तों, कि वो इसी ट्रेंड फॉलो करता है कि जब NSL असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट कंप्लीट होता है उसी के बाद उसका नोटिफिकेशन आता है, और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग भी आती है। तो वो 2017 में उनके मतलब असिस्टेंट और AO का रिक्रूटमेंट करीब करीब हुआ था, लेकिन 2019 का जो रिक्रूटमेंट था AO का वो 2018-19 के असिस्टेंट के बाद ही आया था। सो 2018 के असिस्टेंट के बाद आया था। सो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे यदि NSL AO का रिक्रूटमेंट आता है तो वो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था। सो शायद मैं एक्सपेक्ट करूँगा यदि वो 2020 में आता है, 2020 में NSL AO का, तो एंड आए में मतलब अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में आ सकता है, ज़्यादा जल्दी नहीं आएगा। तब तक ये NSL असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट आ भी जाएगा। सो यदि हम एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों इसका, तो डेफिनेटली ये सितंबर अक्टूबर में जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स, मतलब जो NICL
OICL एंड UIIC असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट्स है। तो उसके बारे में क्या है दोस्तों, क्या है ना, अभी इनका मर्जिंग का इशू चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने पूरा डिसाइड भी नहीं किया है कि इनका मर्जिंग होगा नहीं होगा। तो इसीलिए UIIC असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है वो 2017 में आया था, आप सभी को पता होगा। तो उसके बाद वो आया नहीं है, तो शायद वो उसी का वेट कर रहे कि क्योंकि गवर्नमेंट ने यदि डिसीजन लेता है कि मर्जिंग करना है तो शायद पूरी मर्जिंग होने के बाद ही वैकेंसीज आएंगी। सो ये अभी तय नहीं हुआ कि इनकी वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी। सो हम ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि और हम उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, उसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं है, तो शायद वो प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे कि उनकी वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। सो डेफिनेटली लॉजिकली अगर हम जाते हैं तो NISCL की असिस्टेंट के वैकेंसीज की ही पॉसिबिलिटी अभी बनती है, इनके वैकेंसीज की पॉसिबिलिटी अभी बन नहीं रही क्योंकि इनकी मर्जिंग का इशू चल रहा है। सो यदि जब इनका मर्जिंग कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली इनके असिस्टेंट असिस्टेंट का और AO का रिक्रूटमेंट डेफिनेटली आ जाएगा। सो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इनका मर्जिंग नेक्स्ट ईयर में होता है तो नेक्स्ट ईयर के एंड में करीब करीब इनकी असिस्टेंट की और AO की वैकेंसी आने को मतलब देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर सॉरी मर्जिंग का प्रोसीजर थोड़ा बहुत बड़ा होता है दोस्तों, मर्जिंग ईजी नहीं होता है। सो इसको थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि अब डिसीजन लेंगे, उसके बाद मर्जिंग होगा, उसके बाद पे रिविजन्स होंगे। सो NSL वगैरह जो इंश्योरेंस सेक्टर है इनके सबके पे रिविजन्स भी अभी होने के चांसेस, यदि बैंकिंग का भी हो गया है दोस्तों तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जुलाई अगस्त नेक्स्ट ईयर 2020 में इसका पे रिविजन हो जाएगा। हालांकि वो 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है, मतलब एरियर्स यही से मिलेंगे आपको, लेकिन एक्चुअल वो रिफ्लेक्ट सैलरी में शायद जुलाई और अगस्त 2020 में होगा। सो दोस्तों इसके बाद अब बात आती है कि जो जर्नी यहाँ पे मेरा एक साल का जर्नी था दोस्तों, लास्ट ईयर क्या होता 6 अक्टूबर को, पहले भी मैं सोच रहा था कि मैं चैनल स्टार्ट करूँ लेकिन कब स्टार्ट करूँ इसका मतलब जो मुहूर्त कहते हैं वो निकल नहीं रहा था। लेकिन जिस दिन मेरा 6 अक्टूबर लास्ट टाइम NSL असिस्टेंट का मेंस का एग्जाम होता, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक एग्जाम एनालिस्ट का रिव्यू डाल देते, देखते कैसा स्टार्ट कैसा होता है। तो वो रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था मेरे को, 1.5K के अराउंड इसमें व्यूज़ मिले थे एक ही वीडियो में। सो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को हेल्प मिली। सो ये इसलिए किया दोस्तों क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत है, मतलब ऐसे गाइडेंस नहीं कि आप रीजनिंग में क्या करो, मैथ्स में क्या करो क्या नहीं करो, उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरत है, क्योंकि मैं एग्जाम देता हूँ तो मुझे पता होता है कि वहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टीज़ वहाँ पे कैंडिडेट्स को फेस करने को मिलती है। तो वो डिफिकल्टीज यदि मैं कैंडिडेट्स को बता दूँ और 10 में से एटलीस्ट एक बच्चे को भी यदि उसका बेनिफिट हो जाए तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो इसलिए मैंने शायद तभी सोच दिया था कि चलो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो एटलीस्ट 2-3 बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए, तो मेरे लिए वो बहुत बढ़िया बात थी। सो मैंने इसलिए चैनल स्टार्ट किया था। ये चैनल हमेशा मैं बहुत बार कह चुका कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब मैंने कभी भी इसमें से ऐसा सोचा नहीं कि ये कंटेंट में डाल दो तो मुझे जाके 4 पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ बहुत सब कुछ है, पैसों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ज़रूरत है एक सेटिस्फेक्शन की। जो सेटिस्फेक्शन मुझे आपके कमेंट्स की तरफ से मिलता है कि आपके अप्रिसिएशन से मिलता है, वो मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। और जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मेरा वो दिन बहुत अच्छा चला जाता है, क्योंकि क्या है ना कि उसके जो पॉजिटिव रिव्यूज़ वगैरह जो मिलते हैं ना, उससे थोड़ा और मोटिवेट हो जाता है और थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है, फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आपको गाइड करने का प्रयास करता हूँ। सो ये मेरा एक मतलब पैशन समझ लो आपकी, मैं इसी की वजह से ये चीज़ें फॉलो करता हूँ और इसी के अकॉर्डिंगली ये चैनल भी चलता रहेगा। सो इसमें डेफिनेटली आप यदि बहुत बार देखा होगा आपने, मैं कभी किसी को बताता नहीं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे आपको मैं मतलब ये चैनल का मोटिव ही नहीं है कि मैं कि इसमें कोई प्रॉफिट कमा लूँ। यदि प्रॉफिट मिलता भी है तो अभी तक तो मिला नहीं है, जब मिलेगा तो उसके बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। उसका इन्वेस्टमेंट भी मैं डेफिनेटली ऐसे ही चीज़ों पे करूँगा कि जो कुछ इस चैनल को आगे लेके जाए और कुछ सोसाइटी में उसकी वजह से हेल्प मिले। सो इतना ही मुझे कहना था दोस्तों, और बहुत कुछ कहना है लेकिन बहुत सी सारी चीज़ें आती है जो मैं पहले वीडियो को पहले सोच लिया था कि मैं ये बोलूँगा, लेकिन अब वो मुझे याद नहीं आ रहा है। सो मैं यहीं पर अब यहाँ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा और आप सभी को ये विश करना चाहूँगा कि आप भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, आने वाले रिक्रूटमेंट कौन से भी हो, चाहे वो RBI हो, NSL असिस्टेंट हो, जो कुछ भी आने वाले उसके बारे में ना सोचे, जो अभी आपके हाथ में जो प्रेजेंट है, IBPS क्लर्क है, IBPS PO है, RRB असिस्टेंट मेंस है, RRB PO मेंस है, LIC असिस्टेंट का बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है, इस पे फोकस किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मुझे ये पूछा था कि NSL असिस्टेंट कब आएगा, मैं तो उनके ऊपर ही भरोसे पे हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, आपके सामने जो अभी दिया है टास्क, उस टास्क को पूरा कीजिए, उसके बाद अगले टास्क पे मूव हो गया, मतलब मूव होना स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ को मतलब सक्सेस यदि पाना है दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। आपको फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट फोर्थ स्टेज पे आप नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप वो पार करना होता है। सो दोस्तों
मेरी तरफ से अभी से आपको सभी एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट लक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव ब्राइट फ्यूचर अहेड. गुड बाय.